The third type of isomerism in geometrical configuration isomerism is EZ. EZ का फंडा कब आता है? देखो डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए पहली बात, कि डबल बॉन्ड जैसे हमने देखा था सिस ट्रांस में रिक्वायर्ड था, सिमिलरली EZ में भी डबल बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा। बट क्या है ना, सिस ट्रांस को हमने उसमें भी देख लिया था रिंग में, ठीक है, वो एक सेपरेट एक्सेप्शन थी, लेकिन डबल बॉन्ड बेसिकली एक ऐसी चीज थी कि दैट इज अ मस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो EZ कब आएगा? हमने देखा कि सिस ट्रांस में हम चार ग्रुप्स को मैच करके देखते थे कि अगर कोई ग्रुप किसी से मैच कर जाता है तो इन दैट केस वो किसी भी कॉम्बिनेशन में फॉल कर जाता था। बट अगर वहां पे लोन पेयर होता था तो केस आ गया हमारे पास सेंटी का। EZ का कॉन्सेप्ट कब आएगा? EZ का कॉन्सेप्ट इसलिए आया हमारे पास बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास चारों ग्रुप्स that are attached to the double bond are different. For example, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? A, B, C, D. If A is not equal to C and also not equal to D, मतलब A ना तो C के equal है ना D के equal है, ठीक है? And B is not equal to D and not equal to C. इसका मतलब क्या हुआ? B भी C के equal नहीं है और भी D के equal भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस की कंडीशन देखें, सिस के लिए क्या होता था, या तो A और C सेम हो जाए या B और D सेम हो जाए। बट यहाँ पे क्या है, ना तो A और C सेम है और ना ही B और D, तो मतलब सिस की कंडीशन तो बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी। ट्रांस के लिए देखें, ट्रांस के लिए क्या होता है, A और D सेम हो जाए और B और C सेम हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज सेटिस्फाई कर जाए। बट यहाँ पे क्या है, ना तो A और D इक्वल है और ना ही B और C, तो इसका मतलब ना तो हम इसको सिस कह सकते हैं ना ही ट्रांस कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को थोड़ा चेंज करके लिख दूं, सपोज यहां पे मैंने लिख दिया D C A B, अब देखो अब भी वही चीज है, सेम चीज अब भी अप्लाई एप्लीकेबल है, ना ही ये सिस है ना ही ट्रांस है, लेकिन देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, D और C में एक्सचेंज हो गया है, रोटेशन तो पॉसिबल थी नहीं, इट इज कॉन्फ़िगरेशनल चेंज। तो अब क्या करें, मतलब हमें कुछ ऐसा नॉमेनक्लेचर चाहिए जहां पे हम डिसाइड कर सकें कि वेदर कि हमारे पास दोनों पोजीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नाम क्या है, ठीक है ना, दोनों पोजीशंस को हम सेपरेटली उसके नाम में इंट्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि अगर आप इसका नाम लिखो या फिर इसका नाम लिखो, दोनों का नाम सेम हो जाएगा, तो हमें नाम में कुछ ऐसा एडिशन करना पड़ेगा कि दोनों ही साइड से हम बता सकें कि ये वाला कंपाउंड में पोजीशन ये है, ज्योमेट्रिकल पोजीशन ये है और इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल पोजीशन ये हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास नया सिस्टम आया EZ सिस्टम। EZ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम इनको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना, किस टाइप की प्रायोरिटी, कि जिसकी प्रायोरिटी, सपोज मैंने यहाँ पे पकड़ लिया C और D को और इस साइड पकड़ लिया A और B को, ठीक है ना, इन दोनों में आपस में प्रायोरिटी चेक होगी, मतलब एक ही कार्बन पे जो जो सब्सटेंस हैं उन पे प्रायोरिटी चेक होगी। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको देंगे नंबर वन, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको देंगे नंबर टू। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट प्रायोरिटी, क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी, इसमें क्राइटेरिया ये रखेंगे कि हमारे हम कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर मास को या फिर एटॉमिक मास को, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए पे चाहे एक एटम हो चाहे कुछ भी हो, मतलब जितना कुछ भी है यहाँ पे उसको हम देंगे उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा सब कुछ चेक कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज ए का मॉलिक्यूलर मास है 50, ठीक है, बी का है 60, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, हम प्रायोरिटी उसको ज्यादा देंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास एज पर द कंडीशन मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2, ठीक है। सिमिलरली सी और डी को कंपेयर करेंगे, उनकी भी एक प्रायोरिटी आएगी सी एंड डी की, तो हम उस वहां पे प्रायोरिटी देख ली। अब क्या करेंगे, सपोज जैसे यहाँ पे बी की प्रायोरिटी ज्यादा है और वहां पे अगर डी की प्रायोरिटी ज्यादा हो, चलो ये सब छोड़ो, आपने प्रायोरिटी निकाली, मैं यहाँ पे सी और डी के भी मास लिख के देख देता हूँ, 40 और डी का सपोज कुछ भी है 20, तो प्रायोरिटी सी की ज्यादा हो गई और डी की सेकेंड हो गई, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, एक चीज चेक करेंगे
if groups of same priority on same side, अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हो देन इट इज जेड. इफ ग्रुप्स ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन डिफरेंट साइड देन इट इज ई. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब साइड कैसे कंपेयर करेंगे? साइड चेक करना तो आपको आता है ना, यहाँ पे लाइन डाल के चेक कर लेते हैं कि ए और सी की प्रायोरिटी सेम है तो वो क्या हो जाएगा, जेड. अगर बी और डी की सेम है देन आल्सो इट इज जेड. अगर ए और डी की सेम है, ए और डी की ऑपोजिट साइड है देन इट वुड बी ई. अगर बी और सी की सेम है देन इट वुड बी ई. ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके कि ई और जेड चेक कैसे करेंगे, वेदर इट इज ई टाइप और जेड टाइप. सी ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमारे पास ये डबल बॉन्ड है. क्या स्टेप था ई से डिसाइड करने के लिए? चलो शुरू से देखते हैं कि इसको आइसोमर कैसे पता लगाएं, कि मतलब कौन सी फॉर्म है. सीधी सी बात है, ये सिस ट्रांस तो डिसाइड कर ही नहीं सकते ना यहाँ पे. क्यों? क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट है. कैसे चेक करोगे? लोन पेयर भी नहीं है तो हम यहाँ पे सीन और एंटी भी चेक नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन ई सेट चेक कर सकते हैं. वो कैसे? वो ऐसे कि अगर यहाँ पे हम प्रायोरिटी दे दें इनको, तो प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस या फिर मॉलिक्यूलर मासेस. तो यहाँ पे डी और एच के कंपेयर करेंगे. डी के ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा क्योंकि इसका 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसकी प्रायोरिटी हो गई 1, इसकी प्रायोरिटी हो गई 2. अच्छा, अब इन दोनों को चेक करते हैं. यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग लगा रखी है आपने और यहाँ पे सिर्फ मिथाइल है. सीधी सी बात है, क्लियरली नजर आता है कि इसकी प्रायोरिटी 2 और इसकी 1, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली ज़्यादा ही होने वाला है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? लाइन डालेंगे. लाइन डाल दी, अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे सेम प्रायोरिटी वाली ग्रुप सेम साइड है या फिर डिफरेंट साइड है. वन वाली प्रायोरिटी, वन वन ऑपोजिट साइड है, मतलब ये क्या बन गया? ऑपोजिट साइड वाला ई, तो इट बिकम्स ई. ई टाइप है ये. अच्छा, इसी तरह से टू वाले भी ऑपोजिट साइड, तो ऑब्वियसली ई बन गया. अच्छा, अब मैं कुछ ऐसा करता, सपोज मैं इनकी पोजिशन चेंज कर देता, यहाँ पे H और यहाँ पे D करते था, तो ये हो जाता 1, ये हो जाता 2. अब क्या होता? सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड आ गए, 1 1, 2 2, तो इसका मतलब वो बन जाता फिर Z. तो ये है हमारा E और Z का फंडा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर द ग्रुप, वेदर द कंपाउंड इज E टाइप और Z टाइप.